गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिएगा लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। इसके अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, डिस्टेंस के बारे में यानी पाथ लेंथ के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा जो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा स्पीड, ठीक है ना, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा और पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो देखिएगा, आई होप आप, मैंने कल के जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिए हैं ग्रुप के अंदर, तो आई होप आपने राइट डाउन कर लिए होंगे और वीडियो भी अपलोड हो गया, ठीक है, तो आप साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। अगर आप बुक के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, वैसे तो मैं न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा, फिर भी आप बुक के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। अगर किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है या बुक के किसी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है तो आप उसकी आप पिक्स क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलो आज की क्लास की अगर बात करें, देखिएगा लास्ट हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इसके लिए भी जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप के अंदर अपलोड करा दूंगा, यहां से आप समझने की कोशिश करना। तो राइटिंग का वर्क है वो आपको पीडीएफ से करना है, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो समझने के बेसिस के हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा वेलोसिटी क्या होती है, जो आपने इससे पहले स्पीड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कल का टॉपिक था, और छोटी क्लासेस में आप स्पीड और वेलोसिटी के अंदर इतना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, थीके? वहां पर क्या डिफरेंस है आप देखिए, 11th क्लास के अंदर स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग फैक्टर है और दोनों का ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि स्पीड की, अगर एक ऑब्जेक्ट है ए से और बी जाता है, पहले मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ए से बी है, मान लेते कि ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और फिर आप बी से सी पर आते हैं, मान लेते ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, कौन सी ए सी है वो डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर और BC है वो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, तो आपको पता है ये डिस्टेंस AC कितनी बचेगी, हम AB में क्या माइनस कर लेंगे, BC माइनस कर लेंगे, वो कितना बचेगा 20 किलोमीटर। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं आपसे यहां से स्पीड पूछता हूं, स्पीड, और हम मान लेते हैं A से B जाने में जो टाइम है वो हमने 2 आवर ले लिया और बी से सी जाने में हमने टावर पर यहाँ पे हम लेते हैं कि 6 आवर्स लेते हैं, उसको हमने 4 आवर ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे पूछा था कि स्पीड, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसे होगी, टोटल डिस्टेंस की हम यहां से बात करें कितना हो गया 60 और यहां से आप बात करें कितना हो गया 40, यानी 60 प्लस 40 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, यहां से यहां जाने का 6 आवर और यहां से यहां जाने का 4 आवर यानी 10 आवर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या होगी उसकी स्पीड होगी। एक्चुअली स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है
कि उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो जो वेलोसिटी क्या होती है कि द रेशियो ऑफ ही डिस्प्लेसमेंट विद टाइम नोन एज ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करें, ए से और बी पर गए आप और बी से सी पर, यानी ये वाला पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट हो गया। क्लियर? यानी ए आपका इनिशियल पॉइंट है और सी पर आपने स्टॉप किया है वापस आके, तो आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 20 अपॉन टाइम कितना है, यहां से यहां जाने का 4 और वापस 6 यानी 10 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो अंतर शब्द में आया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो अब हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम वेलोसिटी के बारे में और थोड़ा डिस्कस करें, तो देखिए वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूं इस ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो वेलोसिटी जैसे मैं कहूं कि 2 किलोमीटर पर आवर, ये 2 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन लिख देता हूं इन नॉर्थ साउथ जो भी है, तो वो भी क्या कहलाएगी, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास वेक्टर क्वांटिटी है यानी वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिस्ट करती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेलोसिटी है वो बच्चों जीरो भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पे है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? लेकिन स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड पॉजिटिव रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वो कैसे रहेगी, जीरो हो सकती है। वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, सॉरी हमेशा नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए अगर हम वेलोसिटी की यूनिट के बारे में बात करें कि ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट के बारे में अगर हम बात करें ऐसा यूनिट देखिएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होती है, पाथ लेंथ होती है, ठीक है ना। तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसको हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड या इस तरह से लिखे आप, या फिर मीटर पर सेकंड इस तरह से, तो ये क्या कहलाती है, यूनिट। वैसे तो किलोमीटर पर आवर भी होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाल देता हूँ, नोट कि जब भी किलोमीटर पर आवर हो मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जैसे आपसे ने दिया कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी, तो आप कैसे करेंगे, 36 into 5/18 यानी
10 मीटर पर सेकंड। ये 5/18 कहां से आया, देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको लिखता हूं कि 36 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। यहां पर आवर्स को सेकंड में, यानी हमने 1 आवर्स में 36 सेकंड 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इसको शोर करते हैं तो 5 × 2 = 10 = 18, यानी 36 यानी किसी भी किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाती है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये क्लियर है, ये तो छोटी क्लास में आप पढ़ के आते, फिर मैं एक बार याद दिलाता हूं। तो अगर हम बात करें यूनिट के बारे में तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है, याद रखना। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी को वी से लिखते हैं वो कितनी हो जाएगी, देखिएगा m0 l1 t-1। अगर किसी बच्चे को डायमेंशन में प्रॉब्लम है तो आप एनडी गंगा के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए 11th क्लास डायमेंशन, आपको 11th क्लास के डायमेंशन के हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ऐसे मैंने करा दिया है। लेकिन कल एक दो बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने डायमेंशन नहीं किया है, तो आप सर्च कीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से डायमेंशन वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए डायमेंशन मीन्स क्या होता है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है, याद होगा आपको कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाई थी, उनके जो कम है उनके जो ये फोर, जैसे कि मास को एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, ठीक है, उनके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना वो क्या कहलाता है, उसका डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। अब देखिएगा बच्चों, एक नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होती है कि जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जैसे कि ये टाइम ग्राफ हो गया और ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है ना, ये मोशन कैसे हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता तो टाइम कैसी आती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपसे बोले कि एक कार है मूव कर रही है, मूव करने के 30 सेकंड पर, t = 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी जैसे हमें पूछा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की होती है, पर छोटे से टाइम इंटरवल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। अगर देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी गिवन टाइम पर, यानी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, लिमिट Δt = 0, ठीक है ना। यानी Δt = 0 का मीन्स क्या है कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए t लगभग कितना हो जाएगा, 0, एंड Δx / Δt, या इसी को हम बोल सकते हैं dx / dt। तो ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इफ इट मूव अकॉर्डिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना,
ये पर्टिकुलर इंस्टेंट या पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे उसकी वेलोसिटी पूछी जाती है, तो हम किससे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो ये था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में ग्राफ के बारे में। ठीक है, कि कौन ग्राफ किस किस पोजिशन में कौन कौन से ग्राफ होते हैं उसके बारे में। पोजिशन टाइम ग्राफ, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन मतलब डिस्टेंस होगी एक्स किसी बॉडी के लिए और टाइम टी हो गया, उनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे तो किस तरह से वो ड्रॉ होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पोजिशन टाइम ग्राफ के अंदर पहला ग्राफ हम खींचते हैं कि वेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो आपको पता है कि रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट के लिए उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होगी, यानी पोजीशन क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे डेस्क पे छोड़ के जाता हूँ तो कल भी यहीं पे रहेगा, दो घंटे बाद भी वहीं रहेगा, चार घंटे बाद भी वहीं रहेगा, यानी टाइम इंक्रीज होगा लेकिन उसकी पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसको उसके लिए हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, वो कैसे होगा कि हम मान लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ है, टी टाइम ले लिया हमने यहाँ पर, और ये पोजीशन ले लिया हमने एक्स। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और ये किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन। ठीक है, अगर देखिएगा यहाँ पर टी क्या है, मान लेते आवर्स में है, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मानते कि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मानते एक्स नोट डिस्टेंस पर है, एक्स नोट मतलब मान लीजिए आप 5 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, वो रेस्ट में रखा हुआ है, देखिए 1 घंटे बाद भी वो 5 पर ही रहेगा, 2 घंटे बाद भी वो 5 पर ही रहेगा, 3 घंटे बाद भी वो 5 पर ही रहेगा, 4 घंटे बाद भी वो 5 पर ही रहेगा, इस तरह से। मतलब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रखा हुआ है तो उसकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो 5 से 6 मीटर होगा या 4 मीटर होगा, क्योंकि ना तो पोजिशन उसकी है, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और ना ही स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो कॉन्स्टेंट एक पॉइंट पर रहेगा। तो ये जो लाइन है ये किसको डिनोट करेगी, एट द रेस्ट, यानी एक्स नोट है उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसका पोजिशन टाइम ग्राफ किस तरह से होता है, यहाँ पर ये टी किसको डिनोट करता है, टाइम को, और ये एक्स है ये किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट है रेस्ट में होता है तो उसका पोजीशन टाइम कैसे ग्राफ के तौर पर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, बिल्कुल। क्लियर, अब देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, सेकंड केस में जो पूछा हूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन्स सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमने टाइम ले लिया है टी और यहां पर हमने पोजीशन ले ली है एक्स। ठीक है, जैसे 1 आवर्स हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम टाइम को आवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको सेकंड में मिलेगा ये, यहाँ पर हम पोजीशन लेते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से 70। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, तो उस केस में देखिएगा ग्राफ को होगा वो कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है, ठीक है, वो किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन कैसे देखिएगा, यानी ऑब्जेक्ट है 2 आवर्स में वो 20 चल रहा है तो 5 आवर्स में कितना चलेगा, वो 50 चलेगा। ठीक है,
आपसे पूछ रहा था 4 आवर्स में कितना चलेगा वो 40, यानी सेम टाइम इंटरवल में 1-2 आवर्स में 20, 3 आवर्स में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 आवर्स में 40, 5 आवर्स में 50, 6 आवर्स में 60, ठीक है। यहाँ पर जो सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस चल रहा है वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये कौन सा पोजिशन टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि जो ऑब्जेक्ट है, देखिएगा इसके अंदर एंटोग्राफ को भी कहते हैं कि यहां से अगर बोलूं कि ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से ना चल के पीछे से मतलब नेगेटिव से चल रहा है, तो उस केस में हम ग्राफ कहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से, ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है किसी टाइम इंटरवल के बाद स्टार्ट होता है तो ग्राफ कहां से जाता है, इस तरह से जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, ठीक है। अगर आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, थर्ड ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक ही बात है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, देखिएगा अगर हम ग्राफ डिस्कस करें तो टाइम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये टाइम हो गया टी और यहां पर पोजीशन हो गया एक्स, ठीक है ना। तो देखिएगा जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है वो किसी भी तरह की आप टाइम ड्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है, जरूरी किसी शेप की हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के आप किसी भी तरह से कर्व लाइन चाहे इस तरह से नोट कर सकते हो, चाहे इस तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, अगर हम टाइम की बात करें तो अगर 1 आवर्स में डिस्टेंस जैसे 10 होगी, ये 20 की अगर हम बात करें ये 30 हो गया, 40, 50, 60, देखिएगा अगर 1 आवर्स में ऑब्जेक्ट है वो 10 चल रहा है, 2 आवर्स में देखिएगा लगभग 35, 3 आवर्स में देखिएगा अगर हम बात करें 55 हो गया, ठीक है, अगर हम 4 आवर्स की बात करें वो कितना हो गया 60, यानी नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स क्या हो गया कि सेम टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो नेगेटिव से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी का मीन्स क्या है कि उसकी पोजीशन है वो लगातार डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। फोर्थ अगर हम बात करें फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, देखिएगा नेगेटिव वेलोसिटी का मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये टाइम टी हो गया, ये पोजीशन एक्स हो गया ओरिजिन से, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लेते कि इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर उसकी पोजीशन कितनी है एक्स में, ठीक है। अब देखिएगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, 1, 2, 3 ये टाइम हो गया, तो ये वाली जो लाइन है ये किसमें नोट करेगी डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी यानी नेगेटिव वेलोसिटी। तो देखिएगा जैसे जैसे नेगेटिव वेलोसिटी होगी पोजीशन क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, 1 आवर्स में कुछ पोजीशन यहां पर थी जैसे अगर हम इसको बात करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो अगर हम t equal to 1 की बात करें तो वहां पर लगभग 45 था, अगर हम t equal to 2 की बात करें वो कितना हो गया 40, अगर t equal to 3 की बात करें तो कितना हो गया 35, तो लगातार क्या हो रही है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सॉरी लगातार उसकी पोजीशन है वो डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है पोजीशन क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। तो ये वाला ग्राफ किसकी होता है नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, क्लियर। अब देखिएगा एक दो पॉइंट और है कि जिनको आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट है वो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करें, ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बात करें उसका जो एरिया है वो किसको नोट करता है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है,
यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इसको नोट करना है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और सेकंड आपको क्या करना है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। नोट्स में पीडीएफ ही आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी जो लाइन है ये वाली टेन थीटा वो किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे यहाँ पर ये थीटा है, तो देखिएगा कैसे मैं इसको बताता हूँ, चलो कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्स हो गया, सॉरी ये टाइम हो गया और ये एक्स हो गया, लेकिन बेस टाइम बना होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। मान लो कि ये थीटा पे बना रहे तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया और ये पी हो गया, इसकी हम एक्स नोट मानेंगे। तो देखिएगा टेन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन t। आपको बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है, यानी जो ये स्लोप है टेन थीटा है वो किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इन टॉपिक की आपको वीडियो पीडीएफ मिल जाएगी, उनको साथ साथ नोट करते रहना। थैंक यू। और जो न्यूमेरिकल्स आज मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनको भी आपको साथ करने नोटबुक के अंदर, अगर किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आप बोलेंगे कमेंट में, ग्रुप के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि इस न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत है या इस टॉपिक में आपको दिक्कत है, हम वापस से उसको रिवाइज करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।